गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सवाल ये आता है कि इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन द सीएसआर नेटिंग सर्विसेज। तो मोस्ट ऑफ अस वेल अवेयर दैट कि यस, नेट सीएसआईआर में जो है नेगेटिव मार्किंग तो होती ही होती है। यस, इसका बड़ा यस जो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल होती है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो है आपका कह सकते हैं कि 1/4, यानी कि -25%। जो भी क्वेश्चंस का नंबर अलॉटेड है उसका 1/4, मतलब -25% मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि दो कैटेगरीज आते हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शंस और टी सेक्शंस। तीन सेक्शंस आते हैं सीएसआईआर में, जिसमें ए और बी सेक्शंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, और सी में जो है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उस 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो नेगेटिव मार्किंग होगी इसका 1/4, यानी कि 0.5 मार्क्स। याद रहे कि नेगेटिव मार्किंग तभी मिलेगी जब आप किसी क्वेश्चन को गलत करेंगे, अगर ऑप्ट नहीं करेंगे। अगर सही ऑप्ट करते हैं तो, जैसे समझिएगा, किसी क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप इसको सही ऑप्ट करते हैं तो आपको +2 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप इसको गलत ऑप्ट करेंगे तब जाके आपको इसी क्वेश्चन के लिए -0.5 मिलेगा, और अगर आप नहीं ऑप्ट करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, मतलब ना करते। तो ये कंडीशन तब होती है जब आप गलत ऑप्ट करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग जो है रॉन्ग आंसर्स के लिए, मतलब जब आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं उनके लिए। अगर आप सही अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे तो ये कंडीशन है कि आपको जो है -0.5 मिल सकता है फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चंस। अगर आपके पास जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है तो उनके लिए 1 नंबर जो है नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग उसके लिए कितने मिलेगी, -1। -1 जो है नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है 4 मार्क्स के लिए। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना भी बहुत जरूरी है। उसके पीछे रीजन इसलिए है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है आपको बहुत तेजी से ड्रैग कर देता है नीचे, और इस टाइम पे जो है एनटीए सब मार्क्स के बेसिस पे बात ही नहीं कर रहा है। एनटीए जो बात कर रहा है वो परसेंटाइल्स के बेसिस पे, और परसेंटाइल में भी नेगेटिव का रोल आ जाता है। अगर आपके और आपके दोस्त का मार्क बराबर है 100, फिर भी परसेंटाइल जो है इसका ज्यादा हो जाएगा अगर इसने कम नेगेटिव किए होंगे तो। लेस नेगेटिव अगर इसने किया होगा तो इसका परसेंटाइल ज्यादा, और इसने अगर ज्यादा नेगेटिव किए हैं तो इसका परसेंटाइल कम। तो सवाल ये आता है कि नेगेटिव से भी परसेंटाइल में जो है इफेक्ट पड़ता है। कम नेगेटिव करना आपके परसेंटाइल को इंप्रूव कर सकता है। नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए सीधा काम यही करना होता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तुक्का मत मारिए। सीएसआर एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा यही कंडीशन होता है कि लोग तुक्का मारना शुरू करते हैं। तुक्का मार रहे हैं, तुक्का मतलब जय जय सिया राम करके कोई भी ABCD में से डी मार दिया, ऐसे नहीं। और इसके अलावा अगर आप 50-50 वाला भी कर रहे हैं तो वो भी ना करें। आप क्वेश्चन तभी ऑप्ट करें जब आप 100% श्योर हो। जब आप 100% श्योर हो तभी आप क्वेश्चंस को ऑप्ट करें। जब आप ये करेंगे तभी आपके लिए जो है काफी बेहतर नेगेटिव मार्किंग इंप्रूव करने की हैबिट डेवलप हो पाएगी। आप अभी से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज से अभी से आप सीएसआईआर के लिए तैयारी करें, उस केस में जो है क्या करें, चाहे घर पे बैठ के कर रहे हो, टेस्ट में कर रहे हो, या कहीं पे भी कर रहे हो, कोशिश ये करें कि वो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आ रहा है तभी आप ऑप्ट करें, मतलब तभी देखें कि मुझे आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो अपने आप को नंबर ना दे, अपने आप को ये बोल दे कि मुझे नहीं आता, मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़िए, हमारे पास ये एटीट्यूड होता है कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता, हम पन्ना पलट के पीछे देख लेते हैं, अच्छा इसका आंसर तो डी था, ओ ऐसा डी ऐसे ऐसे होगा बस। आपको ये रियलाइज ही नहीं होता कि ये आपको नहीं आ रहा था, आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास ऑप्शन है आंसर्स देखने का, और ये सबसे बड़ा गलत अप्रोच हो जाता है। क्योंकि जब आप आंसर्स देख ही लोगे तो आपको कैसे रियलाइज हुआ कि आपको कोई टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जानने के लिए कि कोई टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, एकदम श्रद्धा मन से, एकदम साफ मन से, अपने से लॉयल होके एक्सेप्ट करिए वो कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो पढ़ना है। ये हैबिट बचपन से डेवलप हो जाती है हमारी आंसर्स देखने की, और आज भी वही करते हैं, जिसकी वजह से हमें यही नहीं पता होता कि हम तुक्का मार रहे हैं,
हम 100% श्योर है किसी क्वेश्चंस को करने के लिए कि नहीं? जिस दिन आपने क्वेश्चंस का आंसर देखे बिना क्वेश्चंस के आंसर को 110% बता पाएंगे कि यही सही होगा, बी और डी ही होगा, ऐसे बोल पाएंगे बिना आंसर्स देखे, आंसर की देखना नहीं है, उस दिन समझ जाइएगा कि आप 100% श्योर है। आपको जब आंसर की देखने की जरूरत पड़ेगी चेक करने के लिए कि आपको आता है कि नहीं आता, आपने सही किया कि नहीं किया, इसका सीधा सा मतलब है कि आप 100% श्योर नहीं थे। जिस क्वेश्चन के आंसर आप 110% श्योरिटी के साथ बिना आंसर की देखे जवाब दे सकते हैं, मतलब आप 100% श्योर हैं, और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को ऑप्ट करने की आदत डालिए आज से, अभी से, फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आज से एग्जामिनेशन तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा आपको, आपके 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन को बढ़ा देगा और तुक्के वाले क्वेश्चन को घटा देगा, तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ट्राई इट फॉर 1 month करके देखो, अगर ऐसा लगे कि ना इंप्रूव हो रहा है तो इसी कमेंट बॉक्स में आके मुझे बोलना है, सर आपने जो है बकवास स्ट्रेटेजी बोली थी, और ट्राई करने के बाद अगर अच्छा बने, मार्क्स इंप्रूव हो, तो इसी वीडियो में आके फिर बताना 1 महीने के बाद कि सर ये स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। ट्राई करके देख लो, 110% मैं आपको बोल सकता हूँ होगा, और नहीं होता तो मैं वेट करूंगा कि आप आइए यहाँ पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।